Hey guys, welcome to the academy and welcome to this YT live session on Ask Me Anything. In this very special session on YT live, you can ask me anything that you have, any question that you might have related to your CLAT preparation, related to the issues that you are facing in your preparation, motivational issues, issues that you are not really comfortable talking to your friends about, or anything related to law school, and I'll be very, very happy to answer them. So who all have joined, please let me know in the comment box, and also let me know if I am audible and visible properly. Yes, okay. So guys, very warm welcome to everyone. कैसे हम इस सेशन को प्लान कर रहे हैं, यू कैन ऑब्वियसली आस्क मी एनीथिंग इन दिस सेशन एंड आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स ऑन अ कांस्टेंट बेसिस. तो जो जो आपकी कमेंट्स आएगी आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम. यू डू नॉट नीड टू अटेंड द एंटायर सेशन. आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप एंटायर अपना सेशन अटेंड करो. आपके लिए ये कर सकते हो आप कि आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना, और क्वेश्चन पूछने के बाद मैं उसका आंसर कर दूँ तो आप जा भी सकते हो. इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क, इफ़ यू वॉन्ट टू नो आंसर्स टू वॉट अदर्स आर आस्किंग, इन दैट केस यू कैन परहैप्स स्टे. ओके, यस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास की और बात करते हैं अनअकैडमी के फीचर्स की. कई सारे फीचर्स हैं अनअकैडमी पे, जैसे क्योंकि रेज हैंड अगर आपके पास उतना सब्सक्रिप्शन हो, और आप साथ ही में बात कर सकते हो अपने अनअकैडमी एडुकेटर्स के साथ. मेरा नाम दिव्य कुमार गर्ग, मैं आपका अनअकैडमी क्लैट एडुकेटर हूँ. आप ही की तरह एक क्लैट एस्पिरेंट भी था. जब मैंने क्लैट दिया था 2016 में, तो आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 16 क्लैट, ऑल इंडिया रैंक ऑफ 17 इन आईलेट. आई बीन मेंटोरिंग क्लैट एस्पिरेंट फॉर द लास्ट 4 years, एंड एट अनअकैडमी इट इज माई mission to make your CLAT preparation simple and sensible. There are several batches which are coming on an academy, such as Law Masters, Law Tigers. इन सारी बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हो डी के जी लाइव. कोड यूज़ करने से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अकेडमिक क्लैट सब्सक्रिप्शन, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू गाइड यू इफ़ यू टेक दिस सब्सक्रिप्शन. आप मुझे बता देना कि आपने मेरा कोड यूज़ करा, इफ़ यू आर ट्रस्टिंग मी. ठीक है, उसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू कैन स्टिल एक्सपीरियंस द अनअकैडमी क्लैट प्रिपरेशन थ्रू अ लॉट ऑफ स्पेशल क्लासेस दिस आर हैपनिंग. तो आप क्या कर सकते हो, प्लीज़ आप ये करो, मिशन 35 प्लस एक डेली 10:30 क्लास होती है, लीगल एप्टीट्यूड की मैराथन होती है, करंट अफेयर की क्लास होती है, ये सारे क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, है ना. और साथ ही में आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी क्लैट का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो. चलो तो आप शुरुआत करें क्लास की. आर यू गाइज रेडी? ठीक है, चलो, ओके, लेट मी टेक योर क्वेश्चंस. आज मेरा ऑफलाइन मॉक टेस्ट है एंड मैं नर्वस फील कर रही हूँ, क्या करूँ? अरे मोनिका, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ दिस मॉक्स आर अ प्रिपरेशन, है ना, ऑल ऑफ दिस मॉक्स आर प्रिपरेशन फॉर एक्चुअल क्लैट. ये मॉक में क्या स्कोर आएगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके एक्चुअल क्लैट में क्या स्कोर आता है या नहीं आता है. हाँ, लेकिन इस मॉक को आप कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकते हो. इफ दिस इज़ अ गुड मॉक, है ना, एंड नॉट ऑल मॉक्स आर ग्रेट. ठीक है, हर मॉक ऐसा नहीं होता कि उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं. प्लीज़ उसको आने के बाद एनालाइज करना, और एनालाइज करने के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है. एनालिसिस करने के बाद अपने मेंटोर से बात करना और देखना कि कहाँ कहाँ पे आपको प्रिपरेशन में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है. ठीक है, जब आप अपना एनालिसिस अच्छे से करोगे तो आप डेफिनेटली अपने मॉक्स को इम्प्रूव कर सकते हो. ठीक है, ओके, यस. तो एक बात अपन करते हैं, मैं अपना एक डिवाइस लेकर के आ जाता हूँ जिससे मैं आपके रेगुलर क्वेश्चन देख सकूंगा. जस्ट गिव मी अ मिनट, क्योंकि कई सारे आपके क्वेश्चन हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. गुड आफ्टरनून एवरीवन. ठीक है, एंड आई नो आप सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो. जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं सबके क्वेश्चन के आंसर करूंगा. आई विल बी आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ एवरीवन, डोंट वरी. ये यूट्यूब खुल रहा है यहाँ पे, है ना, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन देख सकूँ. यस, ओके, चलो शुरू से क्वेश्चन लेते हैं. सबसे पहले है क्वेश्चन किसका,
अमन तनेजा का। अमन तनेजा पूछ रहे हैं कि क्या पॉसिबल है टू गेट अ रैंक अंडर अंडर 80 रैंक विद लेस देन 1 ईयर ऑफ कोचिंग। डेफिनेटली पॉसिबल है ना, अंडर 80 रैंक आपके लिए पॉसिबल है। आई टू गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 60 विद जस्ट 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेरा प्रिपरेशन ऑल्दो आई स्टार्टेड फ्रॉम 2 ईयर्स, लेकिन पहले साल में मैंने कुछ खास प्रिपरेशन करी नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ एक ही साल प्रिपरेशन करी थी। और मेरी अगर 60 आ सकती है तो आपकी तो 80 डेफिनेटली आ सकती है, है ना। जब मेरे जैसे इंसान की 60 आ रही है तो आपकी तो 80 डेफिनेटली आ सकती है। यू जस्ट नीड द राइट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन, द राइट काइंड ऑफ मेंटोरशिप, और ये दोनों है ना। अब देखो, आप बोलोगे प्रमोशन है, आप कहीं भी से भी कर सकते हो, अकेडमी इज वन ऑफ द ऑप्शन, बट एट द सेम टाइम आपके पास एक मेंटोरशिप होने की जरूरत है, ताकि मेंटोरशिप में आपको ये पता चल सके कि आप कहाँ पे गलत हो, और एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ अगर आपके पास है तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रैक इट। ठीक है, चलो अब मैं ये नीचे से क्वेश्चन लेता हूँ, और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे उनको आंसर करूंगा। राशि पूछ रही है कि मेजर प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, आई एम अ बायो साइंस स्टूडेंट एंड द बोर्ड्स पैटर्न दिस ईयर इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, टू एग्जाम, दैट इज करेक्ट। एट दिस पॉइंट आई डोंट नो हाउ टू गिव फॉर क्लैट प्रिपरेशन। तो योर क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड क्लैट, है ना। तो ये कई सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि बोर्ड्स और क्लैट को कैसे मैनेज करें। अब देखो यार, एक चीज आप देखो कि ये बोलना भी बिल्कुल सही नहीं है कि बोर्ड्स का पैटर्न जो है इस बार ज्यादा कठिन है, है ना। हर बार की अपेक्षा ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स का पैटर्न ज्यादा कठिन है, क्योंकि पिछले बार क्या होता था, अभी जैसे बोर्ड्स हो रही है ना, पिछली बार बच्चों की प्री बोर्ड्स उतनी ज्यादा होती थी। एक प्री बोर्ड हो रही है, दो प्री बोर्ड हो रही है, आई एम श्योर अभी स्कूल्स ने मेरी प्री बोर्ड कम कर दी है ना, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, ये उतने ज्यादा हेक्टिक नहीं होने वाला। बोर्ड की प्रिपरेशन में क्या होता था, फरवरी मार्च हमारा पूरा निकल जाया करता था, और फरवरी मार्च में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली होती थी, और वो ये था कि हम एंग्शियस होते थे कि ये पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा, ये राइटिंग प्रैक्टिस करी कि नहीं करी। ये सारी दिक्कतें इस बार कम होगी, क्योंकि इस बार मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बोर्ड प्रिपरेशन और क्लैट प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करना है, उसके का एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रॉमिस करा था कि हम क्या करेंगे, है ना। मैंने आपको बोला था कि हम एक्शनेबल पॉइंट्स बताएंगे, हम ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे कि सब अच्छा है सब ठीक है, ये चीज़ें अपने को इस आस्क में एनीथिंग में नहीं करना है। तो कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि हमको क्या करना है बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ। तो देखो, अभी आपको ये करना है कि अपनी क्लैट को 3 घंटे टाइम देना है। कितने घंटे टाइम देना है, 3 घंटे टाइम देना है टिल योर एग्जाम्स, जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम्स है तो क्लैट को 3 घंटे टाइम देना है। बाकी के दिन में जितने घंटे बचते हैं सारे आपको बोर्ड्स को देने, क्योंकि देखो हमेशा क्या होता है, जब भी हम ये कर रहे होंगे ना कि हम बोर्ड्स को टाइम देंगे और फिर उसके बाद क्लैट को टाइम देंगे, तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपको कभी लगेगा ही नहीं कि सफिशियंट है, तो आप क्लैट को इग्नोर कर दोगे कंप्लीटली। और क्लैट को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि इससे हमारी कंसिस्टेंसी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाती है। तो प्लीज डू दिस कि प्रायोरिटी वन शुड बी क्लैट इवन ड्यूरिंग योर बोर्ड्स। ठीक है, 3 घंटा क्लैट को दो, और उसके बाद जितना समय बच रहा है वो सारा आपको बोर्ड्स को देना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज चेंज करनी है, और वो चीज चेंज क्या करनी है, सिंपल सा ये चीज चेंज हमको करनी है कि जैसे जैसे बोर्ड्स पास आएंगे, मतलब कि अगर हमारा पेपर 17 को है तो 17 को तो हम 3 घंटा पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा आज पेपर हो गया, पेपर देने के बाद अब आप उसी दिन बोर्ड्स की तैयारी करना तो अनलाइकली है, तो आकर के क्लैट के लिए पढ़ लो। लेकिन 16 को आपको क्लैट को सिर्फ 1 घंटा देना है, क्योंकि अब अपनी एग्जाम 1 दिन दूर है। 15 को आपको 2 घंटे देने हैं, क्योंकि एग्जाम 2 दिन दूर है। 14 को क्लैट को आपको 3 घंटे देने हैं, क्योंकि एग्जाम 3 दिन दूर है। ठीक है, तो आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो जैसे जैसे बोर्ड पास आएगी, इस फॉर्मूले के तहत क्या होगा, हम कम टाइम देंगे अपनी क्लैट प्रिपरेशन को, बोर्ड्स को इंक्रीज करते जाएंगे। वापस से 17 आ गया, 17 को 3 घंटे देना है, फिर देखना है कि एग्जाम कितना दूर है। अगर मान लो 19 को एग्जाम है तो 1 दिन 2 दिन दूर है, तो 2 दिन के लिए हम 18 को सिर्फ 1 दिन देंगे, 1 घंटा देंगे। ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ फॉर्मेट दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। ये वाला फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, और इससे देखना कि आपकी बोर्ड्स प्रिपरेशन काफ़ी ईज हो जाएगा, काफ़ी आपको ये सब चेंज हो जाएगा कि यार क्या मैं बोर्ड्स को सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ, क्या मैं क्लैट को सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ। क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती थी, जब मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन और क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं अपनी बोर्ड्स देने के लिए घर गया था जनवरी के लगभग, जनवरी एंड में, फरवरी से मेरे प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट हो गए थे। तो हमेशा जब मैं बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए बैठता था तो मुझे क्या होता था कि क्लैट प्रिपरेशन का डर सताता था कि यार मैं क्लैट में तो अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्लैट में ऐसा तो नहीं है ड्रॉपर्स मुझसे आगे निकल जाएंगे। और जब मैं क्लैट प्रिपरेशन करने बैठता था, मेरे को लगता था यार मैं बोर्ड्स प्रिपरेशन अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे स्कूल के दोस्त मुझसे आगे नहीं निकल जाएंगे। तो ये टॉप करने का प्रेशर हमेशा था, और ये आप लोगों के पास भी रहेगा। तो इसलिए क्या करना है, हमको एक चीज़ पर भरोसा करना है कि अगर मैं क्लैट को 3 घंटे देता हूँ या देती हूँ तो इट विल बी सफिशियंट। एंड सेकेंडली हमको क्या करना है, क्लैट को 3 घंटे देने के बाद बाकी जो समय है वो बोर्ड्स को देना है। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो एवरीथिंग। ओके, यस।
प्रैक्टिकल्स भी है, सेम फॉर्मूला अपनाओ। प्रैक्टिकल्स कितना दूर है, वैसे प्रैक्टिकल्स में नंबर सबको आ जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा मेहनत की बात नहीं होती, हम डरते बहुत है प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल से डर ज़्यादा लगता है, नंबर सबको आते हैं। है ना? ओके। अच्छा कृष्णा, अगर आपका बोर्ड एग्जाम 24 अप्रैल से स्टार्ट होगा और उसी समय क्या है कि उसी समय आपका क्लैट का एग्जाम भी है, तो आपको क्या करना चाहिए यार, आपको है ना क्लैट की प्रिपरेशन एडवांस में करनी होगी, क्योंकि बोर्ड्स के साथ क्लैट का होना ये थोड़ा डिफिकल्ट पोजीशन में आपको पुट कर देगा। दिस इज ट्रू, है ना। आपकी क्लैट कब होने वाली है? 8th मई को होने वाली है। 8th मई 2022 इज द डेट ऑफ क्लैट। अब कृष्णा उस समय में आप क्या कर सकते हो कि आपको क्लैट के लिए क्या करना है, पहले से पूरी प्रिपरेशन करके रखनी है, पहले से पूरी प्रिपरेशन करके रखनी है, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अच्छा बाय द वे, मैं अपना है ना टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों के लिए डाल देता हूँ, तो जिस जिसको मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट करना है वो कर सकेगा, t.me/letsclatit। ये मैंने आपको टेलीग्राम का चैनल डाल दिया है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? शायद नहीं दिख रहा है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो मेरे नाम को, दिव्य कुमार कर, ठीक है, ये आप कर सकते हो। अच्छा राहुल का क्वेश्चन आ रहा है कि अन अकेडमी बुक भी देता है क्या सब्सक्रिप्शन पे? नहीं, अन अकेडमी अभी कोई बुक नहीं देता है, लेकिन इसकी सारे जो नोट्स होते हैं वो PDF फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और साथ ही में क्या करना है आपको राहुल, कई सारी बुक्स के मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, तो वो आप खरीद सकते हो, दिस विल नॉट कॉस्ट यू अ लॉट। और करंट अफेयर्स के भी PDF आते हैं, तो सारे नोट्स के PDF फॉर्मेट में अन अकेडमी अभी देता है आपको, ठीक है। बट इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, वी कैन एक्सपेक्ट अन अकेडमी टू प्रोवाइड बुक्स इवन फॉर पीपल हु आर टेकिंग क्लैट सब्सक्रिप्शन, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग बुक्स फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड IIT JEE प्रिपरेशन, तो हो सकता है आगे आपको मिले, ठीक है। अंश का क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन डू NLSIU स्टूडेंट्स और NLU स्टूडेंट्स गेट टू विजिट देयर होम टाउन? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ ऑफन डिड आई गेट टू विजिट होम टाउन? यार ये है ना एक पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे थे जिनको अपने घर पे अच्छा नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, ठीक है, तो वो लोग घर कम जाते थे, वो जब भी उनको छुट्टी मिलती थी तो वो कहीं और चले जाते थे, कभी गोवा निकल गए, कभी पौंडीचेरी निकल गए, कभी आसपास कुर्ग कई सारे हिल स्टेशन थे, कुर्ग था, कोडाईकनाल था, यहाँ पे चले जाते थे। बट मेरे को घर जाना बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं तो साल में एक कई बार देखो 2019 में आई हैव बीन टू होम 6 times, ठीक है। और एटलीस्ट मिनिमम 3 बार तो आप घर जाते हो हर लॉ स्कूल का बच्चा, है ना, मिनिमम 3 बार आप घर जाते हो, और कई बार आप ज़्यादा भी जा सकते हो, तो स्कोप तो होता है। मैं तो NLSIU में ट्रिमेस्टर होता था, हर ट्रिमेस्टर के बाद छुट्टी होती थी, तो मैं घर जाता था डेफिनेटली, और बीच में भी एक बार चले जाता था, तो मैं तो 6 बार घर गया हूँ, ठीक है। तो ये पॉसिबल तो है बिल्कुल। अब ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा कि आपको घर पे कितना मजा आता है। कई लोगों के घर पे मजा नहीं आता, उन लोगों को तो वो घर नहीं जाते। मेरे सारे दोस्त जो थे कई सारे घर पे ही रहते थे होम टाउन में। कई बार क्या होता है कि जब हम होम टाउन से कॉलेज की तरफ जाते हैं तो हमारे जितने दोस्त होते हैं वो भी कॉलेज चले जाते हैं, तो घर जाने का उतना मतलब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे दोस्तों होम टाउन में ही थे, तो इसलिए मेरे को बड़ा मजा आता था घर जाने में, तो मैं घर जाता था। ओके, इज देयर एनी ऑप्शन फॉर क्लैट प्लस स्टूडेंट टू क्लेम बुक्स वाया ईमेल फ्रॉम अन अकेडमी? नो केशव, बिकॉज अन अकेडमी ऑल द प्रोवाइडिंग ऑल द बुक्स ऑल द नोट्स इन द PDF फॉर्मेट ऑन देयर ऐप एंड द वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट पे आपको सारी नोट्स मिल जाते हैं, तो जो भी आप क्लास देखते हो उसके नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ईमेल पे तो ये व्यवस्था नहीं है। ओके, दिवाली की कितनी छुट्टी होती है कृष्णा? यार देखो दिवाली की ऐसे छुट्टी नहीं होती है, NLS में जो होता है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है ना, तो आप जैसे इस बार दिवाली सबकी NLS में ही मनेगी, क्योंकि दिवाली नवंबर में आ रही है, ठीक है। जैसे 2 नवंबर को NLS के जनरली कैंपस ओपन हो जाता है फॉर द सेकेंड ट्रिमेस्टर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दिवाली की छुट्टी एक दिन की मिलेगी, तो एक दिन इज नॉट सफिशिएंट कि आप बेंगलोर से जहाँ भी रहते हो वहाँ पे जा करके आ जाओगे, कि 3 तारीख को वापस से क्लास है, तो आप दिवाली कॉलेज मनाते हो, और कॉलेज की दिवाली बड़ी अच्छी मनती है, ठीक है। दोस्तों के साथ भी दिवाली, अपने घर के साथ बहुत मनाई है, घर के साथ मनाएंगे भी आपकी, तो कई बार कुछ दिवाली आपकी ऐसी हो सकती है जो कॉलेज में मने, लेकिन हर कॉलेज के लिए ट्रू नहीं है। कई सारे कॉलेज दिवाली की स्पेसिफिकली छुट्टियां भी देते हैं, ठीक है। ओके, श्रीजा ने सुना है कि स्टूडेंट बिजी रहते हैं इंटर्नशिप में। अरे यार आप तो ये बता ही नहीं रहे हो हमको। बिल्कुल यार, स्टूडेंट्स इंटर्नशिप का क्या सीन होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यार, इंटर्नशिप में ऑब्वियसली आप लोग बिजी रहते हो, बट फर्स्ट और सेकेंड ईयर में उतनी इंटर्नशिप आप करते नहीं हो, है ना। आप थर्ड ईयर से मेजरली अपनी इंटर्नशिप करते हो, तो अब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो। लॉट ऑफ यू मे कम फ्रॉम दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर एंड सिटीज लाइक दिस,
जहाँ पे इंटर्नशिप करते वक्त आप घर पे रह सकते हो, लेकिन इफ यू आर नॉट फ्रॉम दिस सिटीज एंड यू वांट टू इंटर्न एट द बिग टाउन्स, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज बिटवीन योर इंटर्नशिप एंड योर होम। लेकिन जैसे मैंने क्या करा था, मैं दिल्ली में इंटर्नशिप करता था तो मैं सैटरडे संडे छुट्टी होती थी ऑफिस में, है ना, तो जिस भी लॉ फर्म में मैंने इंटर्न किया था वहाँ पे सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी, मैं फ्राइडे नाइट को निकल जाता था घर, सैटरडे मॉर्निंग पहुंच जाता था और फिर संडे नाइट को वहाँ से निकलता था, मंडे मॉर्निंग को फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेता था। तो इंटर्नशिप के दौरान भी घर जाया जा सकता है और वेकेशन सफिशियंटली लंबे होते हैं। तो अगर आपका वेकेशन है एक महीने का और इंटर्नशिप है 28 दिन की, तो 2-3 दिन निकल जाएंगे, है ना, तो वो घर का ड्यूरेशन कम हो जाएगा ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। ठीक है, यस, स्कॉलरशिप मिलती है क्या, जानवी का क्वेश्चन, और डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिलती है। एवरी कॉलेज दैट एवरी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैज अ गुड प्रोग्राम ऑफ स्कॉलरशिप। फॉर इंस्टेंस NLS का बहुत अच्छा प्रोग्राम है स्कॉलरशिप का, आई हैव बीन अ बेनिफिशियरी ऑफ द स्कॉलरशिप। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई बैंक लोन और स्कॉलरशिप से करी है, एंड आई हैव हार्डली टेकन एनी मनी फ्रॉम माई होम। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ईयर की फीस के अलावा सारा जो है वो स्कॉलरशिप और बैंक लोन से करी हुई है। तो यस, स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल एंड आई हैव नेवर सीन अ सिंगल स्टूडेंट जो फाइनेंशियल मींस नहीं होने के कारण उसने NLU की सीट छोड़ी हो। देर इज अ लॉट ऑफ, है ना, बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज होते हैं जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, जस्ट नॉट विद इन योर कॉलेज बट इवन आउटसाइड योर कॉलेज। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज विल नॉट प्रिवेंट यू फ्रॉम टेकिंग एनी सीट इन एनी ऑफ द NLU। ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, सौम्या का डाउट क्या है कि 6 months आर लेफ्ट, व्हाट शुड बी द प्लान अहेड टू एस क्लैट एग्जाम, आल्सो इज दिस टाइम इनफ एज टाइम इज रनिंग एंड इट लीव्स मी नर्वस एज इट्स माय ड्रॉप ईयर। ठीक है, तो मैं एक 6 month प्लान पे आपके लिए एक एडिशनल वीडियो लाऊंगा पूरा डिटेल। अभी आपके लिए क्या होना चाहिए 6 month प्लान, देखो 6 month प्लान को आप लोग क्या कर सकते हो, 3-3 के सेट में बांट सकते हो अगर आपने प्रिपरेशन थोड़े समय पहले से चालू करी। लेकिन लेट से कि आपने, मैं ऐसे इंसान के हिसाब से प्लान बताता हूँ जिसने प्रिपरेशन बिल्कुल भी चालू नहीं करी है, जिसको बिल्कुल शुरू से प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो 6 month है ना, इसमें हमको 4 month में सिलेबस कंप्लीट करना है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये हमारा टाइम होगा टू कंप्लीट द सिलेबस, और 2 month का जो टाइम होगा ये हमारा मॉक स्कोर्स के लिए इम्प्रूव करने के लिए, है ना, हमारा रैंक बूस्ट करने के लिए, या फिर हमको रिवीजन करने के लिए, या फिर हमको हमारी कमियां जो हो गई है, हमारी जो मिस्टेक्स है उनको ख़त्म करने के लिए टाइम होगा। ठीक है, ये अपना डिवीजन होगा। अब 4 महीने में हमको क्या करना है, 4 महीने में हमारा प्लान ये होना चाहिए कि हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसका कोर्स आप 4 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, वो होगा करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर डेली बेसिस पे बढ़ता जाता है सिलेबस, है ना, आज मोदी जी ने आके कोई भाषण दे दिया हमारा करंट अफेयर बढ़ जाएगा, है ना, तो यार अपना करंट अफेयर बढ़ता जाता है एवरी डे बेसिस पे, तो हमको करंट अफेयर के अलावा बाकी सारा कोर्स 4 महीने में कंप्लीट करना है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, यू कैन टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड ज्वाइन एनी बैच, जहाँ पे भी आप बैच ज्वाइन करोगे। अभी भी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 2 batches अन अकेडमी की आ रही है, वहाँ से हो जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो यू कैन परचेज अ लॉट ऑफ बुक्स और वहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। साथ ही में अभी आप क्या कर सकते हो, एक स्पेशल क्लासेस में लेकर के आता हूँ, है ना, दिस आर कंप्लीटली फ्री, मैं ये नहीं बोल रहा आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा इसके लिए। 10:30 मेरा GK का क्लास होता है, मिशन 35+। ठीक है, तो इसको आप अटेंड करना चालू करो, है ना, आप अनअकैडमी ऐप पे जाओ और मुझे फॉलो करो, मेरा नाम सर्च करना अनअकैडमी पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही 6 PM पे अपना एक और क्लास होता है लीगल एप्टीट्यूड की मैराथन, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टॉट्स के सारे कंसेप्ट, बाकी सारे लॉज के सारे कंसेप्ट इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको पढ़ाऊँ। तो ये दोनों चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द क्लैट प्रिपरेशन, है ना, तो ये दोनों चीज़ें आप क्लैट प्रिपरेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए प्लीज़ कर लो। ओके, है ना, यस, शर्मा जी का एक क्वेश्चन है, शर्मा जी OP, है ना, कि टॉप NLU के बाद वाला जो NLU है या फिर GLC बॉम्बे। यार ये सारे क्वेश्चन है ना शर्मा जी, अपन एक वीडियो बनाएंगे क्लैट प्रेफरेंस लिस्ट का, जब एक बार क्या हो जाएगा, जब अपनी क्लैट प्रिपरेशन अपनी हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, तब ये ज़्यादा अच्छा होगा डिस्कशन करने के लिए। प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। साथ ही में क्या है कि एक साल में क्या होता है, 6 महीने बाद कौन सा NLU ऊपर जाता है, कौन मूड कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म करता है, कहाँ पे वाइस चांसलर बदल जाते हैं, कहाँ पे फैकल्टीज बदल जाते हैं, ये सब चीज़ें अपन अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स आफ्टर 6 months, बट यस, अगर आप 8 NLUs के बाद की बात करो तो GLC इज इक्विवेलेंट, है ना, लेकिन आई विल स्टिल गो विद द NLU बिकॉज NLU कम्स विद इट्स ब्रांड, वो ब्रांड से आता है, NLUs आर ग्रोइंग एवरी डे, और क्या हो रहा है, GLC थोड़ा नीचे आ रहा है,
तो हम अगर NLU पे बैट करेंगे तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए हमारे पास अच्छा होगा. तो आई स्टिल कीप GLC बिलो सम ऑफ द NLUs, नॉट जस्ट द 8 NLUs बट परहैप्स द फर्स्ट 12 NLUs के बाद में मैं GLC को रखूंगा. मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ही होगा. अब सबका ये थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन किस पे बेसिस है, एक तो क्लैट के बच्चों की रैंक के ऊपर बेसिस है, बैंड वैगन इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा आपको बताना चाहिए, आपके प्रेफरेंस को सजेस्ट करना चाहिए, साथ ही में ऑन द बेसिस ऑफ फैकल्टीज, वाइस चांसलर, बाकी सारी चीज़ों को भी हम कंसिडरेशन में लेते हुए. ठीक है, अच्छा सुनिधि का क्वेश्चन है. अच्छा गाइज, आई एम ट्राइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चन जैसे जैसे दिख रहे हैं ना मेरे को. कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं रह जाएंगे, तो आप बार बार पूछ सकते हो, और ट्राई कि मेरा जब आंसर खत्म होना तब आप पूछो, तो उस समय ज़्यादा अच्छे से हम उसको आंसर कर पाएंगे. बट आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट वरी. ठीक है, सुनिधि का क्वेश्चन है कि आप 11th में हो, एक महीने से प्रिपेयर कर रही हूँ अनअकैडमी के मॉक दिए, एक में 60 और दूसरे में 56.5 है, ये स्कोर स्टार्टिंग के लिए ठीक है क्या? सुनिधि देखो यार, एक मेरा शॉर्ट वीडियो भी है इस पर कि व्हाट इज अ गुड मॉक स्कोर. मैं अभी आपको बोल दूँ मोटिवेट करने के लिए कि हाँ यार सुनिधि, ये तो 11th में ही हो तुम, अच्छा स्कोर है, ये सही बात नहीं होगी. हमको क्या देखना है सुनिधि, हमको मॉक को एनालाइज करना है और ये देखना है कि जो क्वेश्चन हमने गलत करें क्या वो क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने पढ़े नहीं थे. इफ दोज आर द क्वेश्चन जो हमने कभी स्टडी नहीं करे, है ना, तो इसका मतलब हमें दिक्कत नहीं है, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है. मतलब सिलेबस जब कंप्लीट होगा वी विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन, तो फिर कोई बात नहीं. लेकिन अगर उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने ऐसे कंसेप्ट में से गलत कर दिए जो हमने पढ़ा था, इन दैट केस ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है ना. तो अब हमको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और हमको हमारी स्टडी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा. तो सुनिधि इसका सही आंसर कुछ नहीं हो सकता. वैसे मेरे को ओवर द टॉप ये अच्छे स्कोर लग रहे हैं फॉर अ पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग विद प्रिपरेशन, है ना. सुनिधि टेल्स मी कि यू हैव अ ग्रेट एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड तो अच्छा है ना, आप में एबिलिटी टू लर्न है, लेकिन आपका एप्टीट्यूड, आपका कंप्लीट पोटेंशियल है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, है ना. आपका हो सकता है कंप्लीट पोटेंशियल 80 वाला हो, आप ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 5 वाली हो, और आप 60 पे अगर बोलोगे कि अच्छा है और संतुष्ट हो जाओगे तो दिक्कत आएगी. ठीक है, तो अब अपने को ये पता करना पड़ेगा विद द मॉक एनालिसिस, और मॉक एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यस आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन, कॉलेज के साथ UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो UPSC प्रिपरेशन अलॉन्ग विद कॉलेज डेफिनेटली कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट ईयर NLS से एक ऑल इंडिया रैंक निकली थी एंड इट वाज ऑल इंडिया रैंक 5. ठीक है, आई नो दैट गाय पर्सनली बिकॉज ही वाज अ सीनियर ऑफ माइन, ही वाज प्रिपेयरिंग वायलिन कॉलेज, तो ही इज़ करेंटली एन IAS ऑफिसर, है ना. उनका पिछले साल रैंक आया था, उनका पहले अटैम्प्ट में नहीं निकला था, ही गॉट इट इन सेकेंड अटैम्प्ट. अभी रिसेंटली मेरी एक सीनियर थी, उनकी ऑल इंडिया रैंक 92 आई, है ना. एक और NLU दिल्ली का लड़का है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 91 आई है. तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन्होंने कॉलेज में रह करके प्रिपरेशन करी. तो यस, UPSC प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट पॉसिबल वाइल इन कॉलेज, देर आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ पीपल हैविंग डन इट सक्सेसफुली. ठीक है, और जितने आप अच्छे लॉ स्कूल में जाते हो उतना बढ़िया आपको पीयर ग्रुप मिलता है, और उनके साथ आपके UPSC स्टडी ग्रुप भी फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, तो आई नो फॉर इंस्टेंस NLU दिल्ली में UPSC स्टडी ग्रुप एग्जिस्ट करता है, NLS में भी अब UPSC स्टडी ग्रुप बनता जा रहा है, एंड देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, और वो बहुत अच्छे से आपस में प्रिपेयर करते हैं. फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम आई ऑल्सो कंसिडर्ड द आइडिया ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड आई हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम. बहुत सारे सीनियर्स थे जो बड़ा गाइड करते थे क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज हो गया था. और क्या होता है, फिर कई सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे कि मैं जब अपने थर्ड ईयर में था तब हमारे कॉलेज के एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम MPP में एक इंसान थे जिनकी ऑल इंडिया रैंक 400 आई थी, तो उन्होंने UPSC उसी समय निकाला था एंड इज करेंटली इन द रेलवे सर्विसेज. तो यस, UPSC प्रिपरेशन वाइल बीइंग इन कॉलेज इज कम्प्लीटली पॉसिबल, देर आर नो डाउट्स अबाउट इट. एंड गाइज, मे आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो एज वेल. ठीक है, ओके. QT को मिनिमम कितना टाइम देना है यार? गैलेक्सी, QT को कितना टाइम देना है ये डिपेंड करेगा कि आपके पास QT का कैसा एप्टीट्यूड है. जैसे कि कई सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स बहुत पसंद होता है, उनसे मैथ्स बड़ी आसानी से बन जाता है, तो उनको कम टाइम देना है. आपको ऑन द अदर एंड, इफ़ यू आर समवन हु इज स्कैर्ड ऑफ मैथ्स, जिसको मैथ्स से डर लगता है ना, या मैथ्स में दिक्कत आती है सॉल्व करने में, तो यू विल हैव टू डिवोट अ मोर टाइम टू मैथ्स, है ना. मैथ्स को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल कमिट, कि आप लोगों ने मैथ्स को पूरा अवॉइड कर दिया. तो मैथ्स को करने का क्या है, यू पिक अप अ स्टैंडर्ड बुक, अनअकैडमी का कोई कोर्स कर लो, है ना, और उसके सारे टॉपिक्स को सॉल्व करो. और देर आर अराउंड 30-35 चैप्टर्स मैथ्स के जो होते हैं, जो आपको करने चाहिए फॉर द पर्पसेस ऑफ ए क्लैट प्रिपरेशन, और वो आप कंप्लीट करो. अब आपको उसमें जितना टाइम लगता है वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कंप्लीटली, है ना. और जितने चैप्टर आप RS अग्रवाल से कर रहे हो, कम से कम हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन तो करने हैं.
एट दिस पॉइंट, है ना। अगर यही वीडियो में अप्रैल में बना रहा होता तो मैं 20 क्वेश्चन बोलता, क्योंकि उस समय टाइम कम होता है। अभी हमारे पास टाइम है कि 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हम मैथ्स के उस बुक में से हर चैप्टर में कर सकते हैं, ठीक है। ओके ये ओजी प्यूजी क्यूट है ना, आपका क्वेश्चन है AIR 1 to 80 लाने के लिए कितने मॉक्स टू। यार मॉक्स देने से AIR नहीं आती, ऐसा नहीं होता कि एक मॉक दोगे तो 1000 आएगी, दो मॉक दे दिए तो 500 हो जाएगी, तीन हो गए तो 250, चार पे 125, फिर 62 और फिर 31, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मॉक्स दीजिए अभी स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन में, गिव 1 मॉक पर वीक। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि मॉक्स ही धीरे 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 हमको फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है, ठीक है। अब ये सब करना है अपने को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉक को एनालाइज भी करना पड़ेगा। देखो मॉक का सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, है ना। तो हमको क्या करना है, एक मॉक एनालिसिस की मिस्टेक कॉपी बनानी है, ठीक है। मॉक एनालिसिस का या तो आप ऑनलाइन नोट करोगे तो बहुत अच्छा है ना। सबसे बढ़िया क्या है कि आप ऑनलाइन नोट करा करो अपनी मिस्टेक, और जब आप ऑनलाइन मिस्टेक को नोट करोगे तब बढ़िया होगा, ओके। यस, तो मॉक एनालिसिस की आप लोग कॉपी बना लो और मॉक एनालिसिस करो, है ना। क्यूटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गैलेक्सी क्यूटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ऐसे नहीं होते हैं, आपको लगभग सारे टॉपिक करने हैं, ठीक है। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होते। TPTS, अगर आपसे क्रिटिकल रीजनिंग नहीं हो पाती है, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मेरा एक कोर्स होता है जो हर सैटरडे को 8:30 पे होता है, कल भी हो रहा था, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस पे आप मेरा ये कोर्स अटेंड कर सकते हो, आपका डेफिनेटली आपसे क्या होगा, क्रिटिकल रीजनिंग होने लगेगी, प्लीज़ आप ये देखो, ठीक है, डेफिनेटली होगी। एक बार वो कोर्स ज्वाइन करके देखो, हैव यू बीन अटेंडिंग दैट कोर्स TPTS, आपने वो कोर्स देखा है क्या, है ना। तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ अनअकैडमी की, आपको नीचे दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल, वरना अनअकैडमी ऐप पे मेरा नाम सर्च करना, वहाँ पे मेरा एक क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स चल रहा है, ठीक है, ओके। 100% स्कॉलरशिप मिलती है क्या, डेफिनेटली मिलती है ना, वी गेट 100% स्कॉलरशिप, वी डू, ठीक है। कई सारे लोगों को 100 से भी ज़्यादा मिल जाती है। कैन यू टेल क्यूटी सिलेबस, या क्यूटी का सिलेबस आपको है ना आर एस अग्रवाल की बुक में देख लो, आर एस अग्रवाल की बुक में सारी जो सब चैप्टर्स है वो क्यूटी का सिलेबस है, ठीक है। क्लैट मॉक्स के लिए बेस्ट सोर्स नहीं मिल रहा, सभा अन अकेडमी पे अभी 2 बजे एक मॉक होने वाला है, चैंपियनशिप मॉक, उसको दो फ्री मॉक है कम्प्लीटली, ठीक है। तो दैट विल बी योर बेस्ट सोर्स, उस पर एक्सप्लेनेशन भी होती है मॉक्स की। क्लैट एंड आईलेट दोनों एग्जाम सेम ईयर में देने की परमिशन है, या साल में एक, नहीं नहीं दोनों, मधुनिका यू कैन गिव बोथ द एग्जाम्स, है ना, यू कैन गिव बोथ द एग्जाम्स इन द सेम ईयर। आई गिव बोथ माई एग्जाम्स इन द सेम ईयर, 2016 में आईलेट दी थी, है ना, आईलेट में मेरी रैंक आई थी 17 ऑल इंडिया रैंक, और उसके बाद 2016 में ही मैंने क्लैट दी थी, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 60 आई थी, तो दोनों सेम ईयर में आई थी, एक हफ्ते के भीतर ही तो एग्जाम हो गई थी, है ना। यस, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैसे करें, बिग पैसेज में बहुत प्रॉब्लम आती है शिवानी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक काम कर सकते हो, यू विल हैव टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करनी पड़ेगी इंग्लिश रीड करना, ओके। और साथ ही में आप क्या कर सकते हो, RC हैकर करके एक हमारी सीरीज होती है, ये स्पेशल क्लास पे होती है, अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ उसमें RC, प्लीज़ आप उसको देखो, ठीक है। RC हैकर से कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है इन देयर क्लैट प्रिपरेशन, ठीक है। अनुज क्या पूछ रहे हो आप, क्या आप प्लीज़ क्लैट के हर सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक से नाम बता दोगे, जिससे हमें पता चल जाए कि क्या क्या हमारी पढ़ लिया है। यस अनुज, बहुत जल्दी इसका अपन है ना एक शीट निकाल देंगे, है ना, वेरी सून आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इट, है ना, जस्ट गिव मी सम टाइम। प्रव, हाउ टू गेट स्कॉलरशिप इन NLSIU, प्रव उसकी NLSIU जब आप पहुंचोगे तो वहां पे आपको पूरी एक ओरिएंटेशन मिलेगी, ठीक है। स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके पहले NLSIU पहुंचना पड़ेगा, पहले हम उस पर फोकस करते हैं ना। NLSIU पहुंच गए तो फाइनेंशियल वेयर विडॉल विल नॉट बी ऑब्स्टिकल इन योर NLS जर्नी, ठीक है, वो आप लिख करके रख लो। ओके सेजल, एक 2 बजे भी मॉक है ना, वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। और मॉक अनअकैडमी के जो है वो आप कभी भी दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्लास के बाद भी दे सकते हो, है ना। ओके गैलेक्सी, आप क्या कर सकते हो, अभी मैंने चैनल पे अपने कल भी एक कंपेंडियम डाला है, उस कंपेंडियम को आप कर सकते हो, और साथ ही में है ना मेरी मिशन 35+ की पुरानी क्लासेस अनअकैडमी ऐप पे फ्री अवेलेबल है, आप उसको करने लग जाओ। और गैलेक्सी साथ ही में आप क्या करो, डेली 10:30 बजे जो हमारी फ्री क्लास होती है मिशन 35+ की, उसको करो, है ना। दीपिका, इन लॉ कॉलेजेस व्हाट डू जूनियर्स कॉल देयर सीनियर, दीपिका इट डिपेंड्स, इन NLS जहाँ पे मैं NLS में था वहाँ पे सब लोग एक दूसरे को नाम कहते थे, नाम से कहते थे। तो दीपिका आई यूज टू एड्रेस इवन माई फिफ्थ ईयर
पर्सन हुआ 5 या 6 ईयर एल्डर टू मी इवन बाय देयर नेम. और ये मैं अभी भी यहाँ पे भी कोशिश करता हूँ है ना कि दीपिका आप लोग सब लोग मुझे मेरे नाम से बोलो, बिकॉज एनएलएस में ये था कि कोई सर मैम नहीं होती, लेकिन कई सारे कॉलेज में सर मैम का कंसेप्ट होता है. तो ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, बट अब मोस्ट कॉलेजेस में क्या हो रहा है, सर मैम के जो कॉलोनियल कंसेप्ट हैं ये खत्म होते जा रहे हैं और अब सीधे सीधे है ना आप नाम से बोल रहे हो. तो आप यही अच्छा होता है यार, हम नाम से ही बोले एक दूसरे को, ठीक है. जैसे ये बॉस और ये अनुज फालतू की बातें बता रहा है, ठीक है. अनुज खुद मुझे सर बोलता है, ए दिव्य बोलता है, ठीक है. यस ओके विजय द बेस्ट टेलीग्राम प्रव. एक तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो है ना, t.me/letsclatit उसका लिंक होगा, ठीक है. आप मेरे को सर्च भी कर सकते हो अनअकैडमी क्लैट दिव्य कुमार करके नाम से. इसमें आपको क्या होगा ना, आपको बहुत सारा फ्री का मटेरियल मिलता है और डेली इनिशिएटिव्स मिलते हैं, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है. यस इंजीनियर डॉन, अगर एनएलयू की लाइफ बहुत अच्छी होती है, अगर आपको एनएलयू की लाइफ के बारे में सब कुछ जानना है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो. अगर आपको और भी कुछ जानना है तो अनअकैडमी ऐप पे मेरी क्लास है लाइफ इन लॉ स्कूल, आप वो देखो, 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे मैंने आपको पूरी अपनी एनएलयू जर्नी के बारे में आपको सब कुछ बताया हुआ है ना. यस राशि बोल रही है कि आई एम प्लानिंग टू टेक अ जॉब, 6 months आर इनफ फॉर क्लैट और नॉट, आई एम 12th पास. डेफिनेटली राशि 6 months आर इनफ है ना, विद द राइट काइंड ऑफ मेंटोरशिप यू कैन डेफिनेटली एज क्लैट इन 6 months. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव मेंटोर्ड अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने 6 महीने में क्लैट को निकाला हुआ है, ठीक है. पिछली बार अपना अनअकैडमी चालू ही नवंबर में हुआ था, उसके बाद जनवरी फरवरी में कई बच्चों ने ज्वाइन करा, उसके बावजूद उन्होंने क्लैट निकाला, उनका क्लैट थोड़ा लेट भी हुआ था, अपना जल्दी हो जाएगा तो हम अभी भी अभी से चालू कर रहे हैं है ना. कई सारे बच्चों को हमने मेंटोर किया अनअकैडमी पे. यस पीपल डू एस क्लैट विद 6 months ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है. गैलेक्सी डेली कितने आरसी करना चाहिए, डेली यू कैन डू 3-5 आरसीज अभी इस मोमेंट पे, इफ यू आर स्टार्टिंग 5 आरसीज पर डे है ना. ओके क्लैट आईलेट की प्रिपरेशन 11 स्टूडेंट कैसे करें, ठीक है मधुनिका. सबसे बढ़िया अभी आप ये 2 क्लासेस अटेंड करने लगो, स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे मेरी अटेंड करने लगो, और उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे धीरे, इफ यू लाइक अनअकैडमी यू कैन टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन और आप एक बैच को ज्वाइन कर सकते हो है ना. ओके एनएलएस में सब चीज़ें होती हैं अनुज, ये जो आपके तात्पर्य है वो सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली होती भी है ना. राहुल एनएलयू भोपाल का 2021 का कट ऑफ क्या था यार, आई बिलीव 350 की ऑल इंडिया रैंक पे एनएलयू भोपाल क्लोज हुआ होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर कि एग्जैक्ट क्या था, बट ये रेंज होती है 350 की, ठीक है. आदित्य बिरला स्कॉलरशिप इज ग्रेट प्रव, लेकिन उसके लिए आपको अगर एनएलएस में आदित्य बिरला चाहिए तो 1-20 लानी पड़ेगी है ना. ओके कुलाशीष ये अभी 6 महीने यार, 6 महीने की बात करो, 6 months में एनएलएसआईयू की चांस है डेफिनेटली है, बट खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी है ना, क्योंकि अपनी कंपटीशन उनसे जो 12 महीने या 18 महीने से चालू कर रहे हैं है ना. शिवानी लाइफ एट द रेस टू आईआईटी इज अ नॉवल दैट आई हैव रिटन है ना, ये नॉवल मैंने अपनी क्लास 10th में लिखी थी, 11th में ये पब्लिश हुई थी. ये नॉवल बताती है कि आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करने जो 2 स्टूडेंट्स गए थे उनकी ये कहानी है ना. यू कैन फाइंड इट इन अमेजोन फ्लिपकार्ट, यहाँ सब आप देख सकते हो. अब इससे ज़्यादा होगा तो ये खुद का प्रमोशन हो जाएगा जो अनअकैडमी अलाउ नहीं करता, ठीक है. हाउ मेनी नंबर वी गेट टू गेट इन, अरे राहुल ये हर साल डिपेंड करता है, हर साल ये अलग अलग होता है ना. सत्यम अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे फायदे रहेंगे, ये शुरू में मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि आप है ना अपने एडुकेटर जो भी होते हैं उनसे लाइव क्लास में पढ़ सकते हो, लाइव उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है. सेकेंडली आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम मिलता है, कई सारे कोर्सेस आपको मिलते हैं, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम एनी वन दैट यू वॉन्ट. और स्पेशली आप है ना उन लोगों से पढ़ते हो जो एनएलयू एडुकेटर्स होते हैं, जो एनएलयू एलमनाई होते हैं. देखो ये कई सारी कोचिंग्स में आपको नहीं मिलेगा है ना, कई सारी कोचिंग्स में आपको ये नहीं मिलेगा कि एनएलयू से जो पढ़े हुए हैं जिन्होंने खुद क्लैट को सक्सेसफुली निकाला है वो पढ़ा रहे हो. अनअकैडमी पे कई सारे लोग जो हमारे टॉप 3, 4, 5 एडुकेटर है ना, ऑल ऑफ देम आर एनएलयू एलमनाई, सबके सब एनएलयू से पढ़े हुए, तो उन्होंने सक्सेसफुली इसी मिशन को सक्सेसफुल कराया जिस मिशन को आप करना चाहते हो, तो दे आर द बेस्ट पीपल टू गाइड यू, ठीक है. ओके अच्छा मधुनिका क्लैट आईलेट की बुक लिस्ट है ना, आप क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैंने पूरी लिंक के साथ डाली हुई है, ठीक है. वहाँ पे आपको पूरी बुक लिस्ट मिल जाएगी, एक बार फिर भी आपको बता ही देता हूँ बुक लिस्ट यहाँ पे. हाँ सत्यम बिल्कुल लेट नहीं रहेगा, और इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट माय गाइडेंस है ना, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हो डीकेजी लाइव यूज़ करने से. प्लीज़ लेट मी नो एज वेल, ताकि मैं आपको पता मुझे पता रहे कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करके आए हो, ठीक है. अच्छा
अभी अनअकैडमी पर ज्वाइन करनी हो फॉर 2020 तो कौन सा अभी बैच कोर्स सही रहेगा? एक लॉ मास्टर, लॉ टाइगर, ये दोनों बैचेस चालू हो रहे हैं अभी, वो आप कर सकते हो, है ना। देखो मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको? वर्ड पावर मेड इजी करना है, है ना। एंड यू कैन डू जीमेट क्लब फॉर आरसी। मैथ्स एंड एलआर के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए यू कैन डू आरएस अग्रवाल फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों की अलग अलग आएगी। लीगल और जीके के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है। लीगल के लिए आप अनअकैडमी में मेरी जो स्पेशल क्लासेस लीगल एप्टीट्यूड मैराथन, उसको कर लो, उसके नोट्स कर लो। और साथ ही में क्या होता है, टेलीग्राम चैनल में पुरानी क्लासेस के नोट्स भी अवेलेबल है। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लीगल एप्टीट्यूड मैराथन के अलावा, लीगल एप्टीट्यूड मैराथन के अलावा आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक और मिशन 35+ कर सकते हो करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स का मिशन 35+ भी कर सकते हो, है ना। ऐश्वर्या, आपका क्वेश्चन है कि किस क्लास से हमको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, तो यार ये आपके ऊपर है, आप किस क्लास से करना चाहते हो, ना। 11th 12th बोथ ऑफ देम आर गुड क्लासेस टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, द अर्ली बर्ड कैचेस द फ्लाई, तो जितना अर्ली करोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। ओके यस, माय पाथ जीके लेफ्ट, प्लीज टेल मी कैसे कंप्लीट करूँ। नीतू, अभी मेरा अनअकैडमी प्लस पे कोर्स चल रहा है, जिसमें मैंने जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर का मैं करंट अफेयर रिवाइज करवाऊंगा, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आप उस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो उसमें आपका काफ़ी हद तक रिविजन हो जाएगा। तो आज भी मैं 4:15 बजे उसकी क्लास लूँगा, ये प्लस पे होगी, और ये क्लास में हम सेप्टेम्बर के करंट अफेयर पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ उसको आप कर लो, है ना। सत्यम, ये लॉ मास्टर कोर्स जो है वो 27 को चालू होगा, 27 अक्टूबर को, तो आप उस दिन ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वेंसडे को ये चालू हो रहा है, ठीक है। राहुल, आप मेरा नाम टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। ओके, लीगल के पैसे कहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि जीमेट क्लब पे नहीं है। अनुज, ये मेरी लीगल की कई सारी क्लासेस हुई है ना, लीगल की मैंने कई सारी क्लासेस अभी रिसेंटली ली है यूट्यूब पे, उसमें आपको लीगल के पैसेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। ओके अपोक्षा, अनुष्का, आपको है ना आरएस अग्रवाल के कंटेंट लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्क्रैच फॉर आईलेट, आईलेट के लिए वैसे ही प्रिपेयर करना है जैसे हम क्लैट के लिए करते हैं ना, अनअकैडमी की आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर दैट। करंट अफेयर्स एंड सर, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्लैट का प्रिपरेशन कर सकता है? बिल्कुल, अच्छा है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि हिंदी मीडियम वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्लैट की प्रिपरेशन डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स होती है जो उनको फेस करना पड़ती है। जैसे इंग्लिश, क्योंकि पूरा क्लैट का मीडियम जो होता है वो इंग्लिश में होता है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर एट अ हैंडीकैप व्हेन इट कम्स टू क्लैट प्रिपरेशन। तो हिंदी मीडियम के जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिक्कत तो होती है, अब वो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको जो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, जैसे कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा जिस चीज़ को 1 घंटे में समझ सकता है, हिंदी मीडियम वाले को क्या होगा, 2 घंटे लग जाएंगे सेम चीज़ को समझने के लिए। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप, हमको हमारी ये कमजोरियों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ लोगों के पास प्रिविलेज थी, उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी, कुछ लोगों के पास वो प्रिविलेज नहीं थी और वो इसलिए हिंदी मीडियम या कोई वर्नैकुलर मीडियम से कर रहे थे। और अगर वो किसी वर्नैकुलर मीडियम से कर रहे थे तो कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, अब हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे और हरा सकेंगे उन लोगों को जो इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अनुभा, आई डू नॉट लाइक इट, ना वो थोड़ा पुराने पैटर्न पे बेस्ड है। अगेन कोयल, सेम आंसर, बंगाली मीडियम वर्नैकुलर मीडियम सबको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनका इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज की तरह उनकी इतनी इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वो आपको अपनी करनी पड़ेगी। सर, और शुड स्टार्ट स्टडिंग विद माई वीक सब्जेक्ट और विद माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट? सानिका, ये मत करना, है ना, प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग फॉर ऑल द सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, क्योंकि कई बच्चे ये करते हैं कि पहले सब्जेक्ट ए पढ़ेंगे, फिर बी पढ़ेंगे, फिर सी पढ़ेंगे, फिर डी पढ़ेंगे, फिर ई पढ़ेंगे, और जब तक ए पढ़ेंगे, जब तक ई पे आएंगे, ए भूल जाएंगे, ये थोड़ी करना है, है ना, ये नहीं करना है। ये अपने को इसलिए साथ में लेकर के चलना है ताकि हम सबको कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर सकें और हमको याद भी रहे कि हमने क्या पढ़ा है। ओके शिवानी, जो मेरी लाइफ एट लॉ स्कूल वाली क्लास है वो स्पेशल है, ठीक है, प्लस क्लास नहीं है, ठीक है, तो वो बिल्कुल स्पेशल क्लास है, आप उसको अटेंड कर सकते हो डेफिनेटली, है ना। ओके और शुड स्टार्ट स्टडिंग विद माय, अच्छा और क्या क्वेश्चन है, जितना आपने पुराना पढ़ाया वो मिलेगा कि नहीं, आप
नए से पूरा पढ़ाई चालू होगी, नहीं सत्यम पूरा पुराना भी मिलेगा ना। तो अनअकैडमी की ये विशेषता है कि अनअकैडमी पे आपको मिलता है अनलिमिटेड वॉच टाइम, तो आप किसी भी लेक्चर को जितनी मन चाहे ना उतना देख सकते हो। और साथ ही में क्या होता है यार, अनअकैडमी पे जो सबसे बढ़िया बात होती है वो ये होती है कि पुराने 2 साल के जितने लेक्चर्स हुए सब कुछ अवेलेबल होगा प्लेटफॉर्म में। तो 2 साल, पिछले 2 साल तक जितने लेक्चर्स अनअकैडमी पे हुए थे वो सारे अवेलेबल होंगे, तो इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना, सब कुछ अवेलेबल होगा। ओके, है ना सर, जिन स्टूडेंट्स की इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है क्या वो सेल्फ स्टडी से क्रैक कर सकते हैं क्या, प्लीज़ गिव मी सम टिप्स फॉर सेल्फ स्टडी। मधुनिका, डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर आपको देखो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से ना, तो आप क्या करो, आप चैंपियनशिप मॉक दो, और चैंपियनशिप मॉक में अगर आपको अच्छा स्कोर आता है तो अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप देगी। उसके बाद भी आपको दिक्कतें आती है तो यू कैन ऑल्सो गेट इन टच, है ना, हम कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट फ्री में स्कॉलरशिप दे दे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप सीरियस हो, है ना। तो चैंपियनशिप मॉक की तैयारी करो, उसमें अच्छा स्कोर लेकर के आओ। बाकी अगर दिक्कत है तो अनअकैडमी विल ऑल्सो कंसिडर योर केस, वो फ्री सब्सक्रिप्शन है इसमें, है ना, स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। सानिका, डेफिनेटली, एक मेरा शॉर्ट वीडियो है, आप उसको यूट्यूब अनअकैडमी क्लैट के चैनल पर देख सकते हो, आइडियल टाइम टेबल फॉर क्लैट स्टूडेंट्स, प्लीज़ उसको देख लो, है ना। वो एक शॉर्ट वीडियो है, 1 मिनट में मैंने आपको बताया हुआ है कि आइडियल टाइम टेबल क्या होता है क्लैट स्टूडेंट्स का, है ना। सर 11 क्लास से क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना बेटर रहेगा, डेफिनेटली रहेगा राहुल, क्यों नहीं रहेगा, है ना, जितनी जल्दी करेंगे उतना फ़ायदा होगा ना। अपन लेट क्यों करना है अपने आप को, ठीक है, तो लेट करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, हमको जल्दी से जल्दी हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है क्या, है ना, लगभग मैंने सारे क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करी। अब अगर आप लोगों के, जितने लोगों के भी डाउट है अब मुझे बताओ, क्योंकि तो शुरू में क्या हुआ था, बहुत सारे डाउट एक साथ आ रहे थे तो अपन नहीं कर पाए थे सॉल्व। अब जो जो डाउट आएंगे, अब थोड़ा फ्लो कम हुआ है तो अब सबके डाउट एक करके लेंगे, है ना। हम 2023 में क्लैट का एग्जाम देंगे, अभी हम लॉजिकल रीजनिंग और मैथ इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं और न्यूज़पेपर का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, संतोष ठीक है, साथ ही में लीगल की प्रिपरेशन भी चालू कर दो। लीगल की प्रिपरेशन कैसे करोगे, 6 बजे मेरी एक क्लास होती है लीगल एप्टीट्यूड मैराथन, प्लीज़ उसको है ना अटेंड करने लग जाओ। तो लीगल एप्टीट्यूड मैराथन की क्लास होती है, उसको आप अटेंड करने लग जाओ, ठीक है, उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है क्या, यस, ओके, यस। विदाउट कोचिंग कैसे करें प्रिपरेशन, वर्षा विदाउट कोचिंग आप एक बुक लिस्ट लो, है ना, और अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस से अपनी प्रिपरेशन करो। NLU ओनली प्रोवाइड 3 ईयर को, प्रवीण यस, NLU ओनली प्रोवाइड 3 ईयर कोर्सेज राइट नाउ, बट NLS इज प्लानिंग टू लॉन्च अ 3 ईयर LLB प्रोग्राम प्रिटी सून। तो NLS में इन द कमिंग वीक्स, इन द कमिंग मंथ्स यू कैन ऑल्सो फाइंड न्यू 3 ईयर LLB प्रोग्राम, बिल्कुल आप उसको आइडेंटिफाई, उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ओके। हाउ टू डू क्लैट स्टडीज विद 12th स्टडीज, अगेन सानी का सेम प्रोग्राम कि आपको क्या करना है, मिनिमम 3 घंटा अपने क्लैट प्रिपरेशन को देना है, जैसे ही आपके 3 घंटे क्लैट प्रिपरेशन के लिए पूरे हो जाएंगे आपको फिर अपना अगला फोकस 12th पे लेकर के जाना है, तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इट, ओके। आई एम डूइंग थिंग्स बट नॉट फील अरेंज्ड आफ्टर कंप्लीटिंग माई डे, हाउ टू अरेंज इट, यार ये एक है ना, हमको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके लिए आप बना सकते हो क्लोजर टू क्लैट चार्ट, ठीक है। क्लोजर टू क्लैट चार्ट कितने लोग बनाते हैं यहाँ पे, है ना, इट इज अ वेरी इफेक्टिव मैथड। क्लोजर टू क्लैट चार्ट क्या होता है, क्लोजर टू क्लैट चार्ट में क्या करना है आपको, देखो आपको क्या करना है ना, अपना एक टारगेट लेना है कि हम 1200 घंटे पढ़ेंगे, और फिर 1200 को आपको उल्टी गिनती में लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे उसको काटते जाना है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप क्लैट से कितना दूर हो। तो अगर आपने किसी दिन पढ़ाई करी है ना, तो आप डेट भी लिख देना कि मैंने इतनी तारीख तक इतनी पढ़ाई करी थी, तो आपको खुद को दिखेगा ना जब अपनी प्रिपरेशन, तो आपको सेटिस्फेक्शन भी आएगा। कई सारे बच्चों को सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आता है, सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि उनकी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हम जब चलते जाते हैं ना, तो अगर कोई हमको ये बता देता है, जो माइलस्टोन होते हैं ना, वो हमको यही बता देना कि दिल्ली कितनी दूर है ना, तो 50 किलोमीटर दूर है, तो हमको पता रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो क्लोजर टू क्लैट चार्ट आपके उस माइलस्टोन का काम करता है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड टू बूस्ट योर क्लैट प्रिपरेशन, ठीक है, ओके। 6 PM इवनिंग, यस यस यस, है ना। विल आई बी एबल, डेफिनेटली सानिका, अगर आप अभी अपनी क्लैट प्रिपरेशन चालू करोगे तो आप अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो सर डेली, इन आइडियली हाउ मेनी सब्जेक्ट शुड आई स्टडी, सानिका आप
के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आप ड्रॉपर हो तो पांचों सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप क्या हो कि इफ़ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 12th तो आप तीन सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ सकते हो, तो तीन दिन है ना, जीके आपको डेली पढ़ना है, उसके अलावा बाकी आप दो दो सब्जेक्ट दो दो दिन में पढ़ सकते हो, ठीक है ना। एनएलयू की लाइव वाला वीडियो अनअकैडमी क्लैट पे है ना, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो या अनअकैडमी.com पे जाओ, वहाँ पे आप मेरी प्रोफाइल सर्च करना दिव्य कुमार कर, और उसमें स्पेशल क्लासेस में आपको मिल जाएगा, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, वो क्या है बिल्कुल फ्री। ओके, और किसी का कोई डाउट, एपी भारद्वाज बुक से कैसे पढ़े? आशुतोष, मेरे को पर्सनली एपी भारद्वाज में ऐसा नहीं लगता कि उसने कॉम्प्रहेंसिवली डील कराए सारे टॉपिक से, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो कि एपी भारद्वाज को कवर टू कवर पढ़ो, है ना, हर टॉपिक लो उसका और उसको पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी, है ना। जीके में बहुत कुछ याद करना है, कैसे याद होगा भाई, कॉन्स्टेंट रिविजन, है ना। उसके लिए देखो हमने अनअकैडमी पे एक इनिशिएटिव चलाया है, Mission 35+, ये बड़ा फ्री क्लास है ना, ये बिल्कुल फ्री क्लास है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें हम क्या करते हैं, हाफ मंथली क्विज लेते हैं, है ना, इसके फुल मंथली क्विज लेते हैं, सारे टाइप के क्विज लेते हैं, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि बच्चों का रेगुलर रिवीजन हो रहा हो। और इसका एक कल क्विज भी होने वाला है, अक्टूबर 1 से अक्टूबर 15 तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उन सब का क्विज होने वाला है Mission 35+ में, ठीक है। तो आप एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको PDFs मिल जाएंगे, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसा आपको रिविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या आपको याद रहता है कि नहीं रहता है सब कुछ, ठीक है। विच स्ट्रीम विल हेल्प इन प्रिपरेशन इन 11th और 12th? यार कोई से भी स्ट्रीम से कर सकते हो, बट ट्राई टू अवॉइड साइंस स्ट्रीम, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत सारा 12th में प्रिपरेशन में चले जाएगा, और क्लैट को आप कम समय दे पाओगे, तो उस कारण से आप क्या करो ना कि आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ का फ़ायदा होता है, और थोड़ा थोड़ा अगर आप कॉमर्स लोगे उसका भी फ़ायदा हो सकता है, तो आप वो स्ट्रीम कंसिडर कर सकते हो। मैंने भी यही करा था, मैंने साइंस नहीं लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को क्लैट को अपना ज़्यादा समय डिवोट करना था। मेरे को आज भी लगता है कि अगर मैंने साइंस लिया होता तो शायद मेरी क्लैट में थोड़ी कम रह जाती रही, क्योंकि मैंने साइंस पे भी काफ़ी समय लगाया होता। ओके, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल के लाइव का टाइम टेबल बता दो सर एक बार। अनुभव ये है ना, डेली चेंज होता है यार, तो मेरे को पूरे यूट्यूब चैनल के लाइव का टाइम टेबल नहीं पता है ना, लेकिन अनुभव आप क्या कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं भी दिन में 3-4 बार पढ़ाता हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आशुतोष, पुराने मंथ्स का जीके कैसे कवर कर सकते हो? तो करंट अफेयर की कंपेंडियम से कर सकते हो। किससे कर सकते हो? करंट अफेयर कंपेंडियम से कर सकते हो, जो कि अवेलेबल होती है, साथ ही में आप पुरानी क्लासेस के नोट्स देख सकते हो, Mission 35+ की क्लासेस अवेलेबल होती है, वो कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है? तो अमन, बहुत जल्द हम इस पर क्लास लेंगे कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर को कैसा पढ़ा जाए उसकी मैं क्लास लूँगा, लेकिन आपको अगर बताता हूँ तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स इन न्यूज़पेपर क्या होते हैं। मैं इस पर लिख देता हूँ, आपके एडिटोरियल, नेशनल, फॉरेन अफेयर्स और इकोनॉमी, ठीक है। आप स्पोर्ट्स, बॉलीवुड छोड़ सकते हो, लोकल न्यूज़ छोड़ सकते हो, और जनरली फ्रंट पेज पे अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं लगे, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ हो वो छोड़ सकते हो, तो यू कैन स्किप बॉलीवुड न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ एंड न्यूज़ रिलेटिंग टू लोकल अफेयर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आप छोड़ सकते हो। लोकल से मेरा मतलब है आप जिस शहर में रहते हो 3-4 पेज उसी की न्यूज़ को डिवोट होते हैं, वो नहीं पढ़ना है। लोकल का ये मतलब नहीं कि इंडिया की न्यूज़ नहीं पढ़ोगे, तो इंडिया की न्यूज़ तो अपने को पढ़नी है। क्लैट एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स में हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, उसमें कोई कंसेप्ट, कोई इंटेलिजेंस ही नहीं लगती, तो करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा नंबर इसमें गेन किया जा सकते हैं, है ना। यस 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 संतोष, है ना, टेलीग्राम मेरा अनअकैडमी ऑन्ड है, ठीक है। भव्या सर, शुड बी फोकस ऑन लीगल थ्योरी राइट नाउ या शुड बी डू इट फ्रॉम सॉल्विंग क्वेश्चन? भव्या, आप क्या कर सकते हो, जो अपना लीगल एप्टीट्यूड का मैराथन वाला क्लास है उसको अटेंड कर सकते हो। उसमें क्या है कि हम क्वेश्चन के थ्रू आपको थ्योरी समझाता हूँ मैं, तो मैं उस क्लास में क्वेश्चन भी करवाता हूँ, थ्योरी भी करवाता हूँ, दोनों चीज़ें करवाता हूँ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग वो क्लास होती है, आप उसको अटेंड करो। 6 PM पे आज भी है लीगल एप्टीट्यूड मैराथन। ठीक है, ओके। क्लैट के लिए क्रिटिकल में ही फोकस रखूँ और शुड आई डू 50-50 फॉर एनालिटिकल ऑल्सो?
आप है ना क्रिटिकल पे ज्यादा फोकस रखो, 50-50 एनालिटिकल के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि एनालिटिकल पार्ट उतना क्लैट में आता नहीं है आपसे, है ना। तो 10% फोकस शुड बी ऑन एनालिटिकल जस्ट इन केस अगर वो आ जाए, ठीक है। वैसे वो एनालिटिकल वाला पार्ट आता नहीं है क्लैट में, है ना। जीके प्रिपेयर करने के लिए कोई साइट बता दो, अनुभव अनअकैडमी, यार अनअकैडमी पे जो मिशन 35 प्लस की क्लास है मैं बता तो रहा हूँ आपको, बहुत इफेक्टिव होने वाली है। अब मिशन 35 प्लस की क्लास तो करके देखो, इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव थिंग फॉर यू, ठीक है। ओके, मेरा लीगल बहुत अच्छा क्योंकि मेरे पापा लॉयर है, लेकिन मेरा लॉजिकल रीजनिंग बहुत टफ होता है, लाइक सिलोजिज्म। तो अमन आप है ना अनअकैडमी में मेरा कोर्स करो, तो आपके पापा लॉयर हैं तो आपका लीगल अच्छा हो गया, आपके टीचर लॉजिशियन होंगे तो आपका लॉजिक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेरा 8:30 बजे हर सैटरडे को मेरा लॉजिकल का एक प्लस कोर्स है उसको ज्वाइन करो, इट विल बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव फॉर यू, ठीक है। सर आईलेट प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट कैसे करूँ, कन्फ्यूज हो जाता हूँ जब भी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, स्टार्ट किस टॉपिक से करूँ। मधुनिगा है ना, किसी टॉपिक से स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो लीगल के आप क्या कर सकते हो, लीगल एप्टीट्यूड की मैराथन क्लास अटेंड करो, तो उसमें आपका टॉट से चालू हो जाएगा लीगल का। मिशन 35 प्लस करोगे तो जीके कवर हो जाएगा, तो जीके और लीगल यहाँ से कवर हो गए। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लो अनअकैडमी पे, या कोई बुक खरीद लो आर एस अग्रवाल, और उनको टॉपिक वाइज करो, चैप्टर वन से करो, ठीक है। और बचा एक सब्जेक्ट अपना कौन सा, इंग्लिश, इंग्लिश के लिए अगेन आर सी एस सॉल्व करो या अनअकैडमी पे कोई क्लास ज्वाइन कर लो, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, ओके है ना। आशुतोष, एक दिन में जीके को कितना टाइम दूँ टू कवर डेली जीके एंड मेक नोट्स। आशुतोष, 1 to 1.5 hours इज सफिशियंट फॉर जीके प्रिपरेशन, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा इज सफिशियंट फॉर क्लैट प्रिपरेशन, जीके प्रिपरेशन, ओके। जीके की बड़ी दिक्कत हो रही है सिलेबस के साथ कीप अप करने में, प्रणव। तो इसलिए आप क्या, मे आई आस्क यू वेदर यू स्टडी फ्रॉम मिशन 35 प्लस और नॉट, क्या आप मिशन 35 प्लस देखते हो। 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम कैसी रहेगी क्लैट के लिए, राहुल बहुत अच्छी, मैंने खुद ने कॉमर्स लिया था और मैंने कोई ड्रॉप नहीं लिया है, क्लियर माई क्लैट अलॉन्ग विद माई 12th क्लास, ओके। सर एंड नाउ इन डेली लाइफ विद 12th, वेन शुड आई स्टडी फॉर माई प्रीवियस मंथ जीके। प्रीवियस मंथ जीके के लिए सानिका क्या कर सकते हो, जो करंट अफेयर के कंपेंडियम है उनसे पढ़ सकते हो, है ना, ओके है ना। तो 2 दिन से कर रहे हो ना प्रणव, तो उनका जो पुरानी क्लासेस है वो भी आप अटेंड करो, ठीक है। पुरानी क्लासेस को 2x की स्पीड पे आप उनको देख सकते हो, ठीक है। तो पुरानी क्लासेस में प्लीज उन अटेंड करने लग जाओ। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए कौन सा बुक, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप आर एस अग्रवाल ले सकते हो, है ना, और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो लॉ नर्ड ले सकते हो, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। और बताओ किसी का कोई क्वेश्चन बचा हुआ है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन नहीं तो अपन ये आस्क मी एनीथिंग सेशन यहीं पे क्लोज कर देंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो मुझे बता दो, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। सर 9 months आर इनफ फॉर क्लैट इफ वी गिव आर 100%। देखो यार ट्रेंडिंग माइंड्स, अभी 9 months तो ओरिजिनली बचे नहीं है, 6 महीना सवा 6 महीना बचा हुआ है ना, बट दीज आर इनफ फॉर क्लैट, है ना। अभी जो टाइम है वो सही है क्लैट के लिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली डू इट, ठीक है, आप आराम से अच्छे से कर सकते हो। कोई अच्छी कंपिटिटिव साइट बता दो ना, इस कोचिंग इंपॉर्टेंट, स्मृति यस कोचिंग इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको गाइडेंस देती है, बिकॉज अभी आपको नहीं पता कि क्लैट में एग्जैक्टली क्या क्या करना है ना, तो कोचिंग से फायदा होता है, एज मिलता है प्रिपरेशन को। आशुतोष, मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आर एस अग्रवाल कर सकते हो या अनअकैडमी में श्याम सर पढ़ाते हैं उनका कोर्स ज्वाइन कर लो, ही टीचर्स मैथ्स रियली वेल, ओके। और 9 months आर इनफ फॉर क्लैट, यस है ना, 6 months आर इनफ, और कोई अच्छी कंपेंडियम है ना अनअकैडमी पे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उस पर आपको कंपेंडियम मिल जाएंगे, है ना। मधुलिका यार क्लैट और आईलेट पे साथ में प्रिपरेशन करो, इनकी सेपरेट सेपरेट प्रिपरेशन मत करना, और जितना टाइम दे सकते हो, अगर आप 12th में हो तो मिनिमम 3 घंटा दो, ड्रॉपर हो तो मिनिमम 6 घंटा दो, दैट शुड बी योर आइडियल टाइम फॉर क्लैट, ठीक है, ओके यस। सर लीगल रीजनिंग की कैसे तैयारी करें, रोहित बार बार मैं बता रहा हूँ, 6 PM पे एक स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी पे जिसका नाम है लीगल एप्टीट्यूड मैराथन, आप उसको ज्वाइन करो, उससे आपकी लीगल रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, ठीक है, ओके। स्मृति, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपका एनालिसिस बहुत अच्छे से होता है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में क्या होता है, बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट होता है, उनको सेंटर पे जाना पड़ता है, सेंटर पे जा करके बहुत दिक्कत होती है ना, मतलब बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज बेस्ट, ठीक है। तो ऑनलाइन सबसे अच्छी होती है, यस एंड गाइस अगर आपको ये मेरे आपके आंसर जो आपने जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें मेरे आंसर्स पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर करना अपने क्लैट प्रिपरेशन के दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके अरे कोई बात नहीं यार आशुतोष, इट्स माई जॉब,
है ना, बुक बुक्स टू रेफर फॉर मैथ्स इन आईलेट कनिका, सेम बुक एज वी आर रेफरिंग इन, ठीक है, जो बुक्स हम अभी रेफर कर रहे हैं फॉर क्लैट आर एस अग्रवाल, वही हम रेफर करेंगे आईलेट के लिए भी, कोई अलग बुक रेफर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही होते हैं दोनों, है ना। राशि, इफ़ योर जी के इज बिग, कम एंड अटेंड मिशन 35 प्लस क्लास, है ना, एक हफ्ते तक मिशन 35 प्लस क्लास अटेंड करके देखो, यू विल फॉल इन लव, ठीक है, यू विल फॉल इन लव विद मिशन 35 प्लस, है ना। राहुल, क्लैट एग्जाम में मैनेज कैसे करेंगे टाइम, उसके लिए अपन है ना बहुत जल्दी एक क्लास ले लेंगे, तो वी विल मेक अ, वी विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि क्लैट प्रिपरेशन में कैसे अपन टाइम को मैनेज करें, है ना। शुड बी नेसेसरीली गिव वैलेट, नो प्रो, इट्स नॉट नेसेसरी, देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गिव वैलेट, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको एनएलयू दिल्ली जाना है, अगर आपका आंसर है कि हाँ मुझे एनएलयू दिल्ली जाना है, तो आप आईलेट की प्रिपरेशन करो, वरना मत करो, तो वो आपके ऊपर है ना, आईलेट की प्रिपरेशन तभी करो जब आपको एनएलयू दिल्ली जाना हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है गाइस आप लोगों का? कनिका, जीके टुडे, जीके टुडे इज एन एक्सीलेंट सोर्स, है ना, जीके टुडे एक्सीलेंट सोर्स होता है ना। यस सानिंगा, बिल्कुल, आप है ना मेरा नाम सर्च करना दिव्य कुमार गर्ग अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पर, आपको मिल जाएगा, है ना, और पुराने कंपेंडियम में मिल जाएंगे, प्रीवियस मंथ कंपेंडियम भी आपको मिल जाएंगे। शिवानी, मिल जाएगी यार, आप एक बार है ना टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहां पे आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, ठीक है, अनअकैडमी क्लैट दिव्य कुमार गर्ग सर्च करके देखो टेलीग्राम पे। राहुल, मेरा नाम है दिव्य कुमार गर्ग, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना यार, आस्क मी एनीथिंग विद दिव्य कुमार गर्ग, है ना। अच्छा शिवानी, लाइफ एट लॉ स्कूल की मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, है ना, चैनल पे भी किसी से मांग सकते हो, आप चैनल पे किसी से भी मांग सकते हो, ठीक है, लाइफ एट लॉ स्कूल। इंग्लिश को कैसे करें, बिकॉज मेनली क्लैट पेपर ऑफ कॉम्प्रहेंसिव टाइप, तो इंग्लिश को है ना जीमेट क्लब से आप कर सकते हो। पहले अपने को इंग्लिश को तीन लेवल पर टेक करना है, वोकेबलरी, ग्रामर और आरसी। वोकेबलरी के लिए वर्ड पावर मेट इजी कर सकते हो, आरसी के लिए जीमेट क्लब से आरसी कर सकते हो, ग्रामर आपकी ओवर टाइम रीडिंग से इंप्रूव होगी, है ना। स्मृति, मंथली मैगजीन मेरे को जनरली पसंद नहीं आती है, इससे अच्छा हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और उसी करंट अफेयर का रिविजन के लिए कंपेंडियम से यूज हो सकते हैं, ठीक है। ओके, है ना शिवानी, आप वहाँ पे चैनल पे किसी से मांग भी सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक क्या है, तो टेलीग्राम की लिंक है t.me/latsclatted, ठीक है, ये टेलीग्राम की लिंक है अपनी। ओके, पर अब अनअकैडमी ओवर लीगल एज, ठीक है। यस, एनी अदर डाउट, कोई और डाउट है गाइस आप लोगों का? चलो, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास, लेट्स क्लैट इट, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। चलो, एक और डाउट आ गया, है ना, क्या डाउट है, हाउ कुड वी स्टडी फॉर क्लैट विद 12th कॉलेज एग्जाम, बिकॉज नाउ आई कैन हार्डली गिव टाइम फॉर क्लैट, सर आई एम फोकस अबाउट क्लैट बट आई एम नॉट गेटिंग की हाउ टू मैनेज टाइम फॉर व्हाट स्टडी। सानी का इसका मैंने शुरू में भी आपको एक बताया था, देखो यहाँ पर कि आपको क्या करना है, बोर्ड वर्सेस क्लैट को कैसे मैनेज करना है, 3 घंटा अपनी पहले क्लैट प्रिपरेशन को देना है ना, और उसके बाद क्या करना है आपको, 3 घंटे के बाद अपने आप बाकी जो बचा हुआ टाइम है वो बोर्ड्स को देना है, पहले क्लैट को देना है फिर बोर्ड्स को देना है, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज, ठीक है। प्रव, बेस्ट ऑनलाइन सोर्स अनअकैडमी फॉर फ्री, इवन वहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती है, और कहीं पे स्पेशल क्लासेस फ्री में नहीं हो रही होती है, डेमो क्लासेस होती है 1-2, लेकिन यहाँ पे रेगुलर स्पेशल क्लासेस होती है, ठीक है। यस, और कोई डाउट है? चलो, तो आई विल सी यू ऑन टेलीग्राम, आई विल सी यू एट 4:15 ऑन द अनअकैडमी ऐप, ठीक है। तो अनअकैडमी पे अपन अब 4:15 बजे मिलेंगे, आज का अपना टाइम टेबल क्या है, तो अब अपना 4:15 बजे क्लास होने वाली है 4:15 PM पे, सितंबर रिवीजन, ठीक है। उसके बाद अपनी 6 PM पे क्लास होने वाली है,
लीगल एप्टीट्यूड मैराथन। और उसके बाद अपनी क्लास होने वाली है 10:45 पे। आज मिशन का टाइम थोड़ा अलग है ना, ये करंट अफेयर की क्लास होगी। इंडिया पाकिस्तान के मैच के कारण अपन ने थोड़ा सा उसको ऐसे डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। ओके यस ओके प्रभ, आप एक बार है ना NLSIU पहुंच जाओ, वहां पे अपन इस सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। नो सीआर भगत है ना, 1 month प्रिपरेशन में नॉट बी इनफ है ना, अनलेस यू आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड। 1 month की प्रिपरेशन थोड़ी टफ हो जाती है, क्योंकि यार अपन कंपटीशन कर रहे हैं 12 महीने की प्रिपरेशन, 15 महीने की प्रिपरेशन, 18 महीने की प्रिपरेशन वालों के बाद, है ना। अच्छा, तो जितना ज़्यादा महीने आप लगा सकते हो वो उतना अच्छा होगा। लोग करने वाले तो 3 में भी करते हैं, 1 में भी करते हैं, बिना प्रिपरेशन के भी क्लैट दिया आते हैं, वो अलग बात होती है यार उन लोगों के साथ। अपने अपन हो सकता है कि अपन उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या ना हो, वो आप हर इंसान पे डिपेंड करेगा। ओके चलो गाइस, ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। आप लोगों के आपको आंसर मिल गए हो, जो जो आपको डाउट थे नहीं मिले हो तो प्लीज़ जुड़ जाओ अनअकैडमी, क्लासेज अटेंड करो, वहाँ पे भी सारे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, इट वॉज दिव साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड डू ज्वाइन द अनअकैडमी ऐप फॉर फ्री क्लासेस, ठीक है।